नमस्कार दोस्तों, डीजी इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो मॉस्फेट के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लैपटॉप मदरबोर्ड में जो सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ है वो है कैपेसिटर्स और मॉस्फेट। तो आज हम चेक करेंगे कि मॉस्फेट को शॉर्ट है या नहीं, वो कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एन चैनल मॉस्फेट या फिर पी चैनल मॉस्फेट कैसे पता लगाए बिना मल्टीमीटर के, बिना उसकी डेटा सेट के। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास 4496 सीरीज़ का एक मॉस्फेट है। तो अब हम पता लगाएंगे सबसे पहले कि ये पी चैनल है या फिर एन चैनल। सबसे पहले किसी भी मॉस्फेट का सर्किट डायग्राम और उसका इंटरनल कनेक्शन देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसका सिंबल चेक करते हैं और चेक करते हैं कि इंटरनली ये कैसे कनेक्ट होता है। फोटोज देखें, एक दिखाता है कि हमारा सिंबल मॉस्फेट का कैसा होता है और दूसरा दिखाता है कि जो मॉस्फेट है वो इंटरनली कैसे कनेक्ट होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये वाला मॉस्फेट पी चैनल है या फिर एन चैनल। देखिए, अगर मॉस्फेट एन चैनल है तो फिर उसके ड्रेन साइड हमको नेगेटिव सप्लाई देना है और सोर्स साइड पॉजिटिव। अगर उसमें हमारा मल्टीमीटर जो कि अभी बीप रेंज पर है, अगर वो शो करता है, इसका मतलब है कि ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है, अदरवाइज ये पी चैनल मॉस्फेट है। चलिए तो फिर चेक करते हैं। तो ये वाला जो मॉस्फेट है, यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट के पास के जो तीन लेग होते हैं, ये तीन सोर्स होते हैं जो कि आपस में शॉर्ट होते हैं। ये वाला जो लास्ट टर्मिनल होता है वो गेट टर्मिनल होता है जो सेपरेट होता है, और डॉट के सामने वाली साइड के ये जो चार टर्मिनल होते हैं उसे ड्रेन कहते हैं जो कि आपस में शॉर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मान लीजिए कि ये पी चैनल मॉस्फेट है। अगर ये पी चैनल होता तो यहाँ पर ड्रेन साइड हमको पॉजिटिव देना होता, सोर्स साइड नेगेटिव। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये पी चैनल है या एन चैनल। मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। पॉजिटिव और सोर्स को नेगेटिव दिया है लेकिन मल्टीमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा पी चैनल मॉस्फेट नहीं है। इसका मतलब कि ये एन चैनल होना चाहिए। चलिए अब हम रिवर्स साइड देखते हैं। देखिए, हमने ड्रेन में यहाँ पर नेगेटिव और सोर्स में पॉजिटिव दिया है, तो मल्टीमीटर 500 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ हमने ड्रेन को नेगेटिव और सोर्स को पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये मल्टीमीटर रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि ये मॉस्फेट प्रॉपरली ट्रिगर होता है या नहीं। तो अगर हमें इस मॉस्फेट को ट्रिगर करना है, तो जैसा कि मैंने बताया ये एन चैनल मॉस्फेट है, उसे ट्रिगर करने के लिए हमें गेट में पॉजिटिव सप्लाई देना होगा और ड्रेन में नेगेटिव सप्लाई देना होगा। चलिए सबसे पहले उसे सप्लाई दे देते हैं गेट को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गेट को सप्लाई दे दिया है। अब ये एन चैनल मॉस्फेट है तो हम ड्रेन में नेगेटिव और सोर्स में पॉजिटिव सप्लाई देंगे और चेक करेंगे ये ट्रिगर होता है या नहीं। देखिए, ये मॉस्फेट ट्रिगर हो चुका है, ये अभी ऑन कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये मॉस्फेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार हम इसको डिस्चार्ज करके भी देख लेते हैं। इसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये मॉस्फेट वापस से हमें वही रीडिंग दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था। देखिए, अब वापस से ये 500 के करीब रीडिंग दिखा रहा है, जहाँ पर हमने सोर्स को पॉजिटिव और ड्रेन को नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा मॉस्फेट प्रॉपरली ऑन हो रहा है और ट्रिगर हो रहा है। अगर ये मॉस्फेट ख़राब होता तो ये सभी कंडीशन में शॉर्ट दिखाता, तब हमें इस मॉस्फेट को रिप्लेस करना होता, लेकिन ये हमारा मॉस्फेट बिल्कुल ही सही कंडीशन में है। अब हम बात करेंगे पी चैनल मॉस्फेट की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके, 4423 सीरीज़ का एक मॉस्फेट हमारे पास है, ये पी चैनल मॉस्फेट है। ये मैंने कैसे पता लगाया ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले हम पी चैनल मॉस्फेट का सिम्बॉल देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल से हमें पता चलता है कि ये जो डायोड है वो ड्रेन टू सोर्स लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमें ड्रेन को पॉजिटिव सप्लाई और सोर्स को नेगेटिव सप्लाई देना होगा, और उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये मॉस्फेट ऑन कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं।
तो इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। ये जो डॉट वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो तीन टर्मिनल है ये सोर्स के होते हैं, ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है वो गेट का होता है, और ये जो चार टर्मिनल होते हैं वो ड्रेन के होते हैं, जो आपस में शॉर्ट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पी चैनल मॉस्फेट है, तो यहाँ पर हम ड्रेन को पॉजिटिव सप्लाई देंगे और सोर्स को नेगेटिव। देखिए मल्टीमीटर 500 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये मॉस्फेट ऑन कंडीशन में है। अब ट्रिगर कर रहा है या नहीं ये बाद में चेक करेंगे। हाँ चलिए एक बार हम सोर्स टू ड्रेन भी सप्लाई देख लेते और चेक करते हैं। ये हमने सोर्स टू ड्रेन सप्लाई दिया हुआ है, तो ये मॉस्फेट कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है चलिए अब हम गेट को ट्रिगर करके देखते हैं। जैसे कि ये पी चैनल मॉस्फेट है, तो यहाँ पर हमें गेट को नेगेटिवली ट्रिगर करना होगा, मतलब कि हमारा जो नेगेटिव प्रोब है, जो ब्लैक प्रोब है मल्टीमीटर का, वो हम गेट की ओर लगाएंगे और जो रेड प्रोब है वो हम ड्रेन की ओर लगाएंगे। चलिए तो ये गेट ट्रिगर हमने कर दिया है नेगेटिव। चलिए अब गेट ट्रिगर होने के बाद ये ड्रेन को पॉजिटिव, सोर्स को नेगेटिव दिया है, तो ये हमारा मॉस्फेट ऑन चुका है, मतलब ये ट्रिगर भी बढ़िया तरीके से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो पी चैनल मॉस्फेट है वो भी ऑन कंडीशन में है। अगर ये शॉर्ट होता तो दोनों तरफ ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन दोनों तरफ ये शॉर्ट दिखाता। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक की। ये कैसे पता चला कि ये पी चैनल मॉस्फेट है? ये पता चलता है इसकी नंबर सीरीज से। देखिए जैसा कि मैंने बताया ये 4423 सीरीज का है, हमें यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो देखना है। यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 है, अगर वो ऑड नंबर है मतलब कि वो पी चैनल मॉस्फेट है, और अगर वो इवन नंबर है यानी कि 2, 4, 6 नंबर का अगर कोई सीरीज है मतलब कि वो एन चैनल मॉस्फेट है। यानी कि हम सिर्फ सीरीज का लास्ट डिजिट देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो पी चैनल मॉस्फेट है या एन चैनल मॉस्फेट। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।